दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका नए व्लॉग में। और हमारी वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट देना, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या हो गया शरी, क्या लग गया? मेरा लग गया भाई। तो बस अभी जो है बहू आने वाली है, और बस अभी हम जाएंगे वहाँ पर बहू को लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपको भी ले चलते हैं और यहाँ की रस्में दिखाएंगे आपको कि हमारे यहाँ संटी खेली जाती है और कंगना कैसे खेला जाता है, तो वो सब आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहना। तो बस अब चलते हैं बाहर, क्योंकि बहू आ गई है तो बुलावा दे दिया है कि बहू आ गई है बाहर। तो चलो, तो चलते हैं हम और आपको भी लेके चलते हैं। Thank you.
दोस्तों, कैसे हैं आप? आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, और अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज है सैटरडे और शरी के स्कूल में जो है आज है पेरेंट्स मीटिंग। शरी सबको हेलो कर दो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी मैं इसको स्कूल लेकर जा रही हूँ, और आज शरी की थोड़ी सी डांट भी पड़ने वाली है, क्योंकि शरी की काफ़ी छुट्टी हो चुकी है और शादी की वजह से भी छुट्टी हो गई थी, है ना भाई शरी? तो चलिए चलते हैं स्कूल। और गुड्डू अभी सो रहा है, और इसको आज स्कूल थोड़ा लेट ही जाना है, तो पहले मैं शरी के स्कूल से होकर आ जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं घर का काम करूँगी और फिर आपसे मिलते हैं। आज जो है शरी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, तो बस अभी हम आए हैं इसके स्कूल से, और इसका सिलेबस भी दे दिया है मैडम ने। और कुछ दिनों से शरी की छुट्टी हो रही थी, तो मैडम ने बोला कि छुट्टी नहीं करनी है और रोज़ स्कूल आना है। और शरी जो है अब जो मैडम ने बताया इसको, तो ये सिलेबस में से देख के वो लेसन देख रही है, जो जो लेसन आएंगे फिर ये उनको कर लेगी और अच्छे पेपर देगी। हैं शरी, क्या हो गया? ये बुक तो 48 की है, देखो तो क्या लिखा है। क्या लिखा है? 57। अच्छा, वो जीके के लेसन है वो? हाँ, तो जीके ही तो है ये। हाँ, अभी मैं देखती हूँ ना, अभी मैं बताती हूँ कौन से लेसन आएंगे, ठीक है ना? तो अब शहरी जो है रोज स्कूल जाएगी, शहरी एक भी छुट्टी नहीं करेगी, है ना शहरी? ऊपर देख के बोलो, बोलो मैम मैं रोज स्कूल आऊंगी, क्योंकि मैम जो है हमारे ब्लॉग देखती हैं। ऊपर देख के बोलो, मैम मैं रोज स्कूल आऊंगी। अब मैम मैं रोज स्कूल आऊंगी और अपना ये पेपर भी करूंगी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ना। शहरी को स्कूल से लेके आने के बाद सबसे पहले जो है मैंने बर्तन मांज के इस टोकरे में रख लिए, इतने ये बर्तन इसमें सूखेंगे, फिर मैं इधर रैक में लगा दूंगी। अभी ये बोतलें भी मांझनी है मुझे और ये रैक में मांझना है, तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी मूंग दाल का चीला। तो ये बना बनाया ही आया, ये बस इसको घोलना है, तो मैंने थोड़ा सा ये घोल लिया है, इसमें पानी डाल लिया है मैंने इसको, और इसको मैंने थोड़ा घोल लिया है, और देखती हूँ कैसा बनता है, क्योंकि पहली बार बना रही हूँ, तो बच्चों के लिए यही नाश्ता बना देती हूँ। और आजकल तो सब चीज़ ऐसी बनी बनाई मिल जाती है, तो ये मीठी चटनी का पैकेट भी है जो सौंठ वाली चटनी होती है, तो इसको भी बना के देखते हैं, क्योंकि ये चटनी के साथ ही खाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक वाला तवा ले लिया है, और मैंने इसको रख दिया है इस पर गैस पर, इतने ही धीमी आँच पर गर्म होगा। और यहाँ पर जो है मैंने डोसे का, डोसा नहीं कह रही, डोसा याद आ रहा है, इधर मैंने चीले का जो बैटर है वो तैयार कर लिया है, और ये उसी तरीके से बनाना है बैटर जैसे हम डोसे का बनाते हैं ना, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, तो वैसा बना लिया है मैंने इसको। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया है, तो पहले मैं तवे पे डालूंगी इसको, थोड़ा सा तवा वैसा कर लूँगी मैं चिकना सा, फिर मैं ये बैटर डालूँगी, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ तो मुझे खुद डर है कहीं मेरे से ख़राब ना हो जाए, इसलिए थोड़ा चिकना रहेगा तो सही बनेगा। और यहाँ पर जो है ये मीठी चटनी जो सौंट वाली है, तो इसको मैं डाल लेती हूँ, और ये मैंने पानी में डाल लिया है, पहले मैंने थोड़ी सी डाल के देखी थी तो थोड़ी मुझे कम लगी, तो थोड़ा और डाल लेती हूँ मैं इसको। और ये जो चटनी है ये गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी, तो अब इसको मैं गैस पे रख दूँगी, और इधर इसमें इस वाले गैस पे चीला बनेगा और इस वाले गैस पे बनेगी चटनी, तो इसको मैं अच्छे से घोल लेती हूँ। और ज़्यादा पानी नहीं लेना है इसके लिए, थोड़ा ही पानी लेना है इसको, और थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहना है। तो चलिए इसको गैस पे रख देते हैं और बनाना शुरू करते हैं। अब हमारे चीले बन के तैयार हो चुके हैं, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी अच्छे हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा खा के देखा था शहरी के में से। और ये चटनी भी देखिए बन चुकी है, तो आ जाइए दोस्तों, आप भी आ जाइए चीला खाने के लिए। तो आज हमने नाश्ते में चीला बनाया है। तो दोस्तों कैसे भाई आप सब लोग? और शाम के बज रहे 8, शाम को मैं 6:30 बजे ऑफिस से आ गया था, और अभी मुझे तैयार होना है। तैयार इसलिए होना कि अभी मुझे जाना है एक पार्टी में, और पार्टी में जा रहा है मेरे साथ गुड्डू भी जाएगा, और ये दोनों नहीं जा रहे हैं, और मेरे बड़े भाई वो भी जा रहे हैं, क्योंकि आज जाना है हमें। कहाँ जाना है गुड्डू? रिसेप्शन पार्टी में जाना है। रिसेप्शन पार्टी में जाना है, है? हाँ।
हाँ। और ये लोग नहीं जा रहे हैं, ये लोग अपने घर में ही दावत खाएंगे। और हम कल जाएंगे शादी में, एक शादी हो रहे लड़की की शादी। कल भी एक पार्टी है, शादी है, कल भी जाएंगे, तो दावतें खत्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही डेली डेली दावतें आ रही हैं। और दोस्तों मैं हो रहा हूँ पार्टी कल तैयार, गुड्डू नहीं जा रहा है, मैं और मेरे बड़े भाई और हमारे चाचा हैं वो जा रहे हैं। और देखो एक मेकअप आर्टिस्ट आया जो मेरा मेकअप कर रहा है जबरदस्ती, ये देखो सब करते हैं, तुम्हें भी करना चाहिए, जबरदस्ती करा जा रहा है मेरे साथ, मैं कितना मजबूर हूँ मैं बता नहीं सकता। दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता तो बताना कि आपकी वाइफ भी ऐसा करती हो कि जबरदस्ती आपको तैयार करती हो, जबकि मैं तो ऐसे जा रहा था। अब पार्टी में जाओगे सब देखते हैं। अरे हमें किसको नहीं दिखाना, हम तो पार्टी में जा रहे थे, खाने पीने घूमने फिरने जा रहे थे। तो यहाँ पर हो गया ये तैयार और अब जा रहे हैं ये पार्टी में। चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे अब पार्टी में, आपको लेके चलते हैं। और ये नहीं जा रहे हैं तो इनको क्या लग रहा है? हमको तो कुछ नहीं लग रहा, हम तो घर में मजे से। दोस्तों का मुंह देखो। अरे ऐसे मत करो, जाने देर हो रही, वो क्या कर रहे हैं? ठीक है जाओ। बोर्ड भी जरा क्या बैक साइड से ले रहा है। ठीक है अंकल, चले अंकल चले। हाँ चले, दूध चल पी लो। हाँ दूध पियो तुम, आप दूध पियो। अरे अंकल तुमने पियो, मीठा है? नहीं, अच्छी बात है, पिए तो पियो। चलो चलो पहले मिल गया, अब तो चल चल भाई, दूध जलेबी तो खा ले। तो खा ले यार, आपने बने
बैग में कर लियो। और दोस्तों देखो ये मेरे अंकल हैं, तुम चल के खा रहे, देखो तुम भी खा ले, मैं नहीं खा रहा हूँ। ये छोटा भाई है हमारा और ये बड़ा भाई, आप जानते हो उसको है भैया, क्यों खा रहे हो ना? क्योंकि मीठा के बिना पेट नहीं भरता। फिर तुम वहाँ काम करते हो? फिर कृष्ण जी आएंगे मंजिल लेके, देखो फिर देखो, फिर तुम वहाँ गए थे रात को बारात में, देखो YouTube पे जाइए, बहुत कम बोल रहे अब। तो दोस्तों खाना पीना अब अपना हो चुका है और अब हमारे वापस घर। तो अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।